Let's do question number 19th of exercise 3D, that is linear equation, two variable. Question number 19th is find the value of k. Hame k ki value nikalni hai, for which each of the following system of linear equations, jiski wajah se dono equations mein rakhein to unke infinite number of solutions nikle. To kaise karenge, chaliye dekhte hain. Sabse pehle hum apni dono equations likh lete hain. To first equation hai k minus 1 into x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. और दूसरी इक्वेशन है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस के इंटू वाई इक्वल्स टू 3k प्लस 1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं. तो ये कितना आ गया, k माइनस 1x माइनस वाई माइनस 5 हो गया. इधर आके 0 इक्वल्स टू 1 इक्वेशन हो गई. और k प्लस 1x प्लस 1 माइनस के वाई माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, राइट. तो अब a1 a2 क्या आ गए, a1 आया k माइनस 1, a2 आया हमारा k प्लस 1, b1 आया हमारा माइनस का 1, b2 आया हमारा 1 माइनस के, c1 आया माइनस 5 और c2 आया माइनस का 3k प्लस 1, राइट. तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को देखें. फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें पता है क्या कंडीशन होती थी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की, दैट इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होती थी. अब a1 अपॉन a2 क्या आ गई, k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. तो हमने लिख दिया k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. b1 अपॉन b2 कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन k माइनस 1, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस के, आई थिंक हाँ 1 माइनस के, राइट. इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 कितना आ गया, माइनस 5 अपॉन माइनस 3k प्लस 1, माइनस 5 अपॉन माइनस 3k प्लस 1, राइट. अब आप कोई सी भी दो इक्वेशंस ले सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली इन दोनों को प्रेफर करूँगी, क्योंकि हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें इसकी मल्टीप्लिकेशन 1 में होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी. लेकिन अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को लेती हूँ तो यहाँ पे समथिंग k स्क्वायर आएगा, तो मे भी मेरे को फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना पड़े उसके लिए. तो इसलिए मैं नॉर्मली इन दोनों को लूँगी, राइट. तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं. माइनस 1 अपॉन 1 माइनस के, आप लोग भी सॉल्व करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखेंगे, माइनस 5 अपॉन माइनस 3k प्लस 1, राइट. अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. तो माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन 3k प्लस 1 में और 5 की मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस के में. तो ये आ गई माइनस का 3k माइनस का 1 इक्वल्स टू 5 माइनस 5k. के की वैल्यू एक साइड आ गई, 3k प्लस 5k इधर आ गया, 5k तो प्लस का हो गया और 1 उधर चला गया, तो 1 भी प्लस का हो गया. तो ये कितना बच गया, 2k इक्वल्स टू 6. तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 अपॉन 2, दैट इज 3. तो हेंस यहाँ लिख रही हूँ, हेंस द इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इफ k इज इक्वल्स टू 3 होगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा आंसर.